आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त 7 वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई, वाहनों को जब्त कर पुलिस चौकी वाड्रफ नगर में किया गया सुपुर्द। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर है। विभिन्न नदियों से होकर थाना रघुनाथ नगर को पार कर और साथ ही थाना बसंतपुर को पार कर रोजाना सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां ओवरलोड रेत लेकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रही हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी सुस्त नजर आ रहे हैं। रोजाना सरकारों को लाखों रुपए का चूना लगाकर और सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड रेत भरकर उत्तर प्रदेश की ओर बेचा जा रहा है, जिससे जिले का खनिज संपदा तो कम हो ही रही है, साथ ही साथ आने वाले समय में स्थानीय लोगों को रेत के समस्या से भी रूबरू होना तय है। नदियों से रेत की चोरी के कारण पानी का जलस्तर तो नीचे जा ही रहा है, साथ ही साथ करोड़ों रुपयों की लागत से बनी सड़कों की स्थिति जर्जर होती जा रही है, जिसके रखरखाव में लाखों रुपए पीडब्ल्यूडी को खर्च करना पड़ रहा है। कारण है जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही। इसी तात्पर्य में आज परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम अचानक वाड्रफ नगर पहुंचकर और 7 गाड़ियों पर चालानी की कार्रवाई की गई, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मचा है। बातचीत के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी अनुपम पटेल ने अवैध कार्यों में नकेल कसने हेतु ताबड़तोड़ कार्रवाई करने की बात कही है। अब्दुल सलाम कादरी के साथ डिविजनल हेड राजू पटेल की खास रिपोर्ट। सर, आज ओवरलोड गाड़ियों पर कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ मामला है सर, संक्षेप में जानकारी बताएंगे। आज उड़नदस्ता अंबिकापुर की टीम फ्लाइंग स्क्वाड ने अचानक छापा मार करके वाड्रफ नगर में 7 रेत से भरी ओवरलोड वाहनों को जब्त किया है और उस पर कार्रवाई जारी है। प्रकरण को विवेचना में रखा गया है, कल उस पर कार्रवाई फाइन की कार्रवाई की जाएगी। जो फाइन पटाएंगे उनका फाइन जमा किया जाएगा, अदरवाइज कोर्ट में चालान केस किया जाएगा। सर, यहाँ पे काफ़ी अवैध रेत खदानें चल रही हैं और लगभग सैकड़ों गाड़ियाँ जिले से होकर के गुजरती हैं उत्तर प्रदेश की ओर, तो आगे हम क्या समझें सर, किस प्रकार से और कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? देखिए, हमारी टीम के आने की सूचना प्राप्त होने पर गाड़ी वाले गाड़ी छोड़ के भग जाते हैं, इधर उधर खड़ी कर देते हैं, छुप जाते हैं। आज उसी क्रम में अचानक छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 गाड़ियां पकड़ाई हैं और बीच बीच में इसी प्रकार लगातार छापामार कार्रवाई चलती रहेगी और ये ओवरलोड पर कार्रवाई शिकंजा कसा जाएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।